तो गाइस नूबरा वैली से सीधा चलते 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 हम आ गए पाकिस्तान बॉर्डर। ये आ गया भाई अपना लास्ट विलेज, रिस्ट्रिक्टेड बॉर्डर एरिया, और ये पुल क्रॉस करेंगे अभी। और भाई ऊपर तक पटते हेडशॉट आ सके कदे भी। और तो ये तो इधर से गाइस मैं बता रहा था ना आपको एक सरप्राइज है, तो सरप्राइज मैं बता देता हूँ आपको। हमारा अमरनाथ का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो अभी हम बालटाल के लिए निकल रहे हैं। लेह लद्दाख में अभी हम खाने के लिए रुके थे चांसपा रोड पे। ये रहा मेरे पीछे गाड़ी न्यूट्रल पे, यार अभी छोड़ दूंगा। अरे चढ़ाई की तरफ चलना चालू होगी। न्यूट्रल पे है, पैर दिखा दे मोहित। न्यूट्रल पहले पर ब्रेक पे पैर है, ठीक है भाई और अब देखते हैं भाई चलेगी या नहीं चलेगी। कारगिल का ये नीचे से व्यू है पूरा, कारगिल पहुंच चुके हैं और अपनी एनर्जी ड्रिंक चल रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय व्लॉग चैनल लद्दाख सीरीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम तकाशी। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज जल्दी उठ के निकलना हमें बॉर्डर के लिए। कल रात को हम लेट पहुंचे यहाँ पे, फिर यहीं पे स्टे लेना पड़ा हमें। ये अपना समर कैंप में स्टे लिया था हमने, और इससे थांग है लास्ट विलेज जहाँ पे अपना बॉर्डर लगता है। यहाँ से 3.5 किलोमीटर आ गया अभी चेक पोस्ट क्रॉस करके, और थांग के लिए निकलेंगे। और यहाँ समर कैंप में रुक के मज़ा आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा समर कैंप कैसा है। कल हम लेह लद्दाख से निकले थे, नूबरा वैली ना रुक के हम सीधा, हमें पता लगी कि ऐसे ऐसे बॉर्डर है तो हम डायरेक्ट बॉर्डर के लिए निकल गए। हमारा कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, बस हम तो डायरेक्ट आ गए। वही है ना, जहाँ जी करेगा वहीं घूमने का, वहीं गाड़ी मोड़ देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी दिखाता हूँ। रात को भी इतना अच्छा खाना था, और अभी आलू और आलू परांठे मिले हैं, और दही और चाय अभी आ रही है एरी, ये पी के निकलेंगे। मतलब एक नंबर की सर्विस है पूरी, मज़ा आ गया भाई सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने में। हमारा स्टे था तकाशी समर कैंप्स एंड कैफे, और ये कुछ ऐसा है। यहाँ अपना रात को अंदर डिनर करने का, और ये अपनी पार्किंग थी। और टेंट दिखा देता हूँ आपको। कल रात को हम यहाँ पहुँच गए थे 9 बजे, तो हमने यहीं स्टे ले लिया था। तो हम 5 जने थे, तो ये बेड था अपना, अंदर वॉशरूम है, और मस्त बिल्कुल मज़े आ गए थे टेंट में रुक के। अगर किसी भी भाई को अगर बॉर्डर विजिट करना हो तो यहाँ पे तकाशी में बहुत सारे होटल वगैरह हैं, टेंट है, यहाँ रुक सकता है। अब आगे चलते हैं, सब मेरी वेट कर रहे हैं कि तेरा ब्लॉग शूट हो जाए, फिर निकल रहे हैं आगे। पोस्ट पे अपने एंट्री कर दी है, एंट्री करानी होती है, और ये अपने फौजी भाई रहे पूरी प्रोटेक्शन के लिए अपनी यहाँ से। कल ये तो बोल रहे थे आप देखिए, और रात को अगर मन हो रहा है तो आपका देख के आने का, पर ये एक पीछे पुलिस वाले थे, उन्होंने मना कर दिया। एक ही था वो ही बन रहा था अपना, अपने पुलिस खाकी वर्दी वाले फौजी है जो है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गए भाई सिक्योरिटी नॉर्म्स। 5 किलोमीटर रह गया है जहाँ पे बॉर्डर है, और मतलब एंट्री यहीं से करनी पड़ती है हमें, इससे आगे नहीं जाने देते। अब सुबह सुबह 5 बजे खोल देते हैं, तो आप विजिट कर सकते हो। नज़ारे लोग पाकिस्तान दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हम वहाँ से दिखाएंगे जहाँ से मुन्नी गई थी बजरंगी भाईजान में। ना वहाँ तो थोड़ी गई होगी ये आ गया भाई अपना लास्ट विलेज, रिस्ट्रिक्टेड बॉर्डर एरिया, और ये पुल क्रॉस करेंगे अभी। बड़ा ब्यूटीफुल व्यू गाइस, मजे लो आप। बस पल पल की खबर देते रहेंगे। और ये अपना गुड़गांव टू ले सीरीज है लद्दाख, और अभी नूबरा वैली से आगे निकल के, इस मैप में तो नहीं है, पर थंग विलेज जा रहे हैं हम, जो कि हमारी ट्रिप में नहीं था। ऑन दी सपोर्ट हमारा मूड बना और हम निकल गए। भाई यहाँ से 3 किलोमीटर बात कर देंगे पाकिस्तान से, जरूरी थोड़ी।
भैया जो प्लान करके आए हैं वही करना है। जैसी जर्नी जाती जाए प्लान में चेंजेस आते रहे। यहाँ तो भाई ऊपर चढ़ानी है कच्चे रास्ते पे, अगर इंडो पाक व्यू लेना है तो पाकिस्तान बॉर्डर व्यू पॉइंट दिखा भाई। रुक 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 अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन 200। अरे एक मिनट ले भाई भाई यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन। अच्छा एनिमी तो हमें, अरे एनिमी नहीं है हम तो, हमारा नहीं है एनिमी वे है। अच्छा। मारे एनिमी वे उनके एनिमी हम। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, एनिमी तो हमें उनके लिए वहाँ कहीं तो भी आ सकते देख लो। कदे यहाँ पबजी का खेल हो जाए भाई, बंदूक बंदूक काट लियो गाड़ी में धरिया तो पीछे। भाई मैं तो M3M चलाऊंगा 200 बड़ा बड़ मारेंगे। मैं स्नाइपिंग कर लूंगा भाई। यू आर 200 मीटर लाला की स्नाइपिंग ठीक है। आ गया भाई ना, और आ गई भी तो। इंडियन मोस्ट एंड द लास्ट कैफे ऑफ द रेस्टोरेंट एट थांग विलेज। ये अच्छा ये है वो थांग विलेज। तो दिख ही रहे हम कल रात से गाड़ी कैसे आ रही है अपनी। ताने पड़े हमने, अरे हम भी तो उनके उसमें ही है गीत भाई लास्ट वो। अरे भाई आते दूरबीन तो देखना पड़ेगा, 2 किलोमीटर दूर है। अगर दूसरे रास्ते पे जाने दिया तो ठेठ चेक पॉइंट तक पहुँचते है। नमन ने खाली दूरबीन भाई सारे देखेंगे दूरबीन तो पाकिस्तान। ये अपना इंडियन फ्लैग वो रहा सामने, अगर आपने जूम करके दिखाऊं तो हमारे फोन में ही दूरबीन है भाई। क्या दिख रहा है वो है ये रिवर जा रहा है ना सर। हाँ जी नाम है शेव रिवर। शेव रिवर की राइट साइड पाकिस्तान का है सर, रिवर की लेफ्ट साइड इंडिया का है। अच्छा और लेफ्ट साइड की ये जो सूखा पड़ा वाला मैदान है ना रिवर की लेफ्ट साइड, ये नो मेंस लाइन है। उसी के कोने में देखो इधर पर ऑरेंज कलर का एक बिल्डिंग नजर आ रहा है ना, ये एलओसी। जी एलओसी है, दो बंकर यहाँ पर भी हमारे इंडियन आर्मी का पोस्ट है वहाँ पर, वो ये पर दो जो व्हाइट व्हाइट से दिख रहे हैं। पास में पत्थर का बना हुआ भी बंकर है और दो व्हाइट कलर के भी बंकर है। ओके जी, पीछे की तरफ जो हरियाली दर्शक है ना पहाड़ के में, हाँ जी ग्रीनी, वो पाकिस्तान का है और आगे वाला हमारे इंडिया का है। देख लो भाई वो ग्रीन ग्रीन जी जी वो पीछे का ग्रीन दिख रहा है, वो पीछे का ग्रीन उनका है और ये अपना ये वाला और ये एलओ के है। और यहां इस खेत के बीच पर लाल झंडा नजर आ रहा है, ये लाल झंडा जो नजर दिख, ये अपनी इंडियन बैठती है यहाँ पे। और रिवर की राइट साइड पर देखो, राइट साइड पर। अच्छा और ये ग्रीनी जहाँ से खत्म है भाई ऊपर तक पटते हेड शॉट आ सके कदे भी। और तो ये तो इधर से पाकिस्तान वाले इनके लिए आना रास्ता बहुत आसान है ना सर, पहले ये गांव और वो गांव एक ही था ना सर। अच्छा ना, फिर 1971 में हमारी इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था, उसके बाद ये दोनों अलग हो गया। अच्छा 1971 का स्टोरी वो हम पढ़ेंगे। तो कुछ रिश्तेदार तो उनको धरे आपके पाकिस्तान, तो आपको जाने देते होंगे उधर? नहीं जाने देता है सर, पासपोर्ट पे भी नहीं जाने देंगे। बुआ बड़े पापा सब उधर है, पापा अकेले यहाँ रहते हैं। अच्छा 1971 में पापा का एज 25 था। ओके फिर पापा ने यहाँ शादी कर लिया, बाकी सब पापा यहाँ गाय बकरी को देखने के लिए आया था, फिर पापा यहाँ सब उधर रहते। वो तो गाँव बड़ा था ये छोटा था। तो आपको पासपोर्ट लेके जाने से तो देते होंगे बॉर्डर से घुमा के जाना पड़ता है। वाघा बॉर्डर पंजाब से, पंजाब से आप घूम के वहाँ पर ही पहुँचते हो बस, आना इधर ये लाइन पूरी सर। जी सर 10 मिनट का तो रास्ता है, यहाँ से घुमा के जाना पड़ता है। आप भी बॉर्डर, आप भी बॉर्डर टॉप दे करो, आप भी चुपचाप टॉप देख रहे हैं इसे रात को। डंडा देखिए भाई, डब्लू के नीचे इस साइड तो दिख रहा है राइट में कुछ दिखा है ना, दिख रहा भाई डंडा तो। तो गाइस नूबरा वैली से सीधा चलते 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 हम आ गए पाकिस्तान बॉर्डर, ना कि ले जाएंगे वापस। तो मैप में यही चेंज है, नूबरा वैली से आगे तुर्क में लिकट के थंग लास्ट विलेज पाकिस्तान में। और अभी थोड़ी देर पहले आए थे, मन नहीं भरा, बहुत दूर से दिख रहा हमें, देखनी है LOC, तो LOC देखेंगे हम कैसे ना कैसे। चलो भाई।
ना ना अब तो फुल सपोर्ट मिल गया हमें। हम तो बेर खान आ गए भाई। गांव कहाँ है आपका फिर? गांव उस तरह है। अच्छा इधर कोई नहीं जा सकता नीचे? आपका घर भी नहीं है नीचे? नहीं नहीं उधर है हम। अच्छा ओहो गाइस ये आके नेचुरल ड्राई फ्रूट्स हैं बिल्कुल यहीं ये पेड़ लग रखे हैं यहीं तोड़ के और यहीं बिक रहे हैं। ये है कितने के ये कल लोकल कोई केमिकल से तो छोड़ दो। आपके गॉड का पेड़ सामने ये हां देख हां ये क्या है ऑरेंज ऑरेंज यही है भाई फ्रेश फ्रूट। ये अपनी बहन भाई बहुत हेल्पिंग नेचर है। अब सिर्फ हमारे लिए ये नेचुरल फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स लेने गई हैं। मतलब इनकी इतनी प्योर हिंदी बोल रही हैं ये नेक्स्ट लेवल। अगर इतनी हिंदी मेरी होती है ना लोग में आपको मजा ही आ जाता। मैं तो हरियाणा में बैठा हूँ आज पहली बार मतलब इतनी प्योर हिंदी देखी है मैंने। गाइस ये अपने एप्रिकोट्स ला के दिए हैं। अरे अपने हरियाणा में भाई ने एक मांग लिया अपने तो ये हो ही करे भाई मांगण में वो नींदा नहीं मानने करे अपने। हाँ शर्म नहीं होनी चाहिए ये हरियाणा के बीज है कति ले भाई। क्या बोलते हैं खालिमान सबसे सुपीरियर क्वालिटी का जो एप्रिकॉट होता है ना उसको खालिमान कहा जाता है। खालिमान का ही है सबसे फर्स्ट ये वैसे अपने इंडिया में ही होते हैं वैसे इसकी उगाई भाई बॉर्डर पे हमने देखा नहीं मिले ना मिले कुछ पर ये फ्रेश फ्रूट्स मिलेंगे आपको इंडिया में ही है। हाँ, तो कहाँ लगा हुआ ये अच्छा यही व्यू था बॉर्डर का। हमने यहाँ पे पीछे भी पूछी कि LOC पे जाने दोगे या जनाब नहीं जाने दोगे तो बोले कि पॉलिसी के खिलाफ है। अब यहाँ पे प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस नहीं बना है जो है वो आप वहीं से विजिट कर सकते हो। जैसलमेर वगैरह साइड ये है आप पास बना के बिल्कुल LOC पे जा सकते हो। तो अगर बॉर्डर विजिट करना है तो बाघा चले जाओ ये सब चले जाओ और यहाँ आना है तो थोड़ी दूर से ही दिखेगा LOC नहीं दिखेगी सिर्फ गांव देख सकते हो। परली साइड की पाकिस्तान है और वो भी पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर स्पेस है अपनी अपनी थी पर उन्होंने कब्जा कर रखा है कोई बात नहीं हो गया था हमारे टाइम में और टाइम टाइम की बात रह करें चल दिए हैं। और एक ब्लॉग में सरप्राइज और देना है कि कहाँ जा रहे हैं आप गैस नहीं कर सकते हम कहाँ जा रहे हैं और ट्रिप क्यों बनी थी किस लिए बनी थी और अभी तो हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं क्या पता कहाँ पहुँच जाए नहीं श्रीनगर भी जाते ये ट्रिप बहुत सोच समझ के बनी थी ऐसे ही नहीं बनी थी फिर भी हुआ नहीं सोचा वाला तो हमने मॉडिफाई करते रहे ट्रिप में थोड़ा बहुत ऐड कर दिया ऐड ऑन करते गए पर ऐड ऑन करते गए और चीजें बहुत सारी कवर कर लिया हमने। कोई भी ले आता है इतनी चीजें नहीं कवर करता है सब हार मान लेते हैं बस मैप में रास्ता देख लेते हैं 6 घंटे 7 घंटे उसी में उनकी हवा ले जाए पर ऐसा नहीं है। अगर रोड इतने अच्छे बन चुके हैं बढ़िया थोड़े टाइम में अच्छा रास्ता कवर कर सकते हो। और मैं तो यही सलाह दूंगा अपने 4-5 दोस्तों के साथ आओ जो जिनको सबको ड्राइविंग आती हो थकोगे नहीं गाड़ी चलाते टाइम बदल बदल के गाड़ी चलाओ पर सबको स्किल अच्छी होनी चाहिए गाड़ी चलाने में ये नहीं एरा गैरा किसी को भी गाड़ी पकड़ा दी ट्रस्टेड बंदों पे जिसको चलानी आती हो अच्छे से बिल्कुल जिसपे आँख मीच के विश्वास कर सकते हो आराम से सो सकते हो बिल्कुल राइड में ये मन में घबराहट ना हो कि कुछ भी हो जाएगा। तो यही है इन्फॉर्मेशन बाकी एक सरप्राइज दूंगा अभी मेन सिस्टम सीरीज का क्या था। तकाशी से निकले 9:15 पे और अब देखते हैं ले जाने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो गाइस फॉर व्यूज फॉर मेमोरीज आई एम टेकिंग दिस शॉट। तो भाई पूरा कन्वे चल रहा अपने साथ अरे अपनी हड्डी रही आगे पीछे पहुंचिया तो पूरा कन्वे चल रहा है फुल सेफ्टी फुल सिक्योरिटी है पूरा सिस्टम ही हो रहा है पर गाड़ी पे भाई पूरा रिएक्शन आ रहा है।
गाइस फिफ्थ टाइम इसको फुल करा रहे हैं हम, मतलब फुल नहीं हो रही है, कितना दम रह रहा है। अभी इसमें रह रहे थे 1/4 रह रहा था पेट्रोल डीजल इसमें, तो आगे पंप नहीं मिलेगा इसलिए फुल करवानी पड़ रही है। तो ले जाएगी 4,000 तक का, तो 45-47 लीटर आ जाएगा आराम से। 55 की टंकी है तो पीछे की तरफ। फटफटी मत कह रहे हैं, झोटा है चलता फिरता, क्योंकि अब ले तक खंडुंगला पास ये मतलब ले है यहाँ से 100 किलोमीटर, तो तेल डलवा लिया हमने खंडुंगला पास, फिर जाएंगे वापस ले जाना है। और अभी आगे सरप्राइज दूँ आगे कहाँ निकल रहे हैं। इस 3450 का है इसमें तो, की गाइस देखो कुछ दिख रहा है आपको सामने चलता हुआ फिरता हुआ है। हम ले पहुंचने वाले हैं, दिख रहा आपको? अब थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, दिख रहे होंगे ये देखो। और अब मैं जूम करूंगा देखना, ये देखो ये देखो भाई, ऐसे लग रहा है कुछ है ही नहीं इनके लिए। तो गाइस फिर से चांसपा रोड पहुंच चुके हैं, मन नहीं लग रहा है यहाँ से जाने का। यही है वो कैफे, गाली पड़ा। चलो खाओ फिर, इस कैफे को हम भूल नहीं पाएंगे, इसका टेस्ट इतना अच्छा था। और इसमें देख ले बारिश वाले में इसमें टेस्टी टेस्टी टेस्टी। ये डाउनटाउन है इधर, ये बैठी और ये कैफे है, रुके ना फॉरनर्स कैफे है गाइस, चल ना ये खाते हैं। हां हां बताने लग रहा मैं, और ये सिस्टम गाइस मैं बता रहा था ना आपको एक सरप्राइज है, तो सरप्राइज मैं बता देता हूँ आपको। हमारा अमरनाथ का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो अभी हम बालटाल के लिए निकल रहे हैं लेह लद्दाख में। अभी हम खाने के लिए रुके थे चांसपा रोड पे, ये रहा मेरे पीछे ये गाड़ी खड़ी, और यहाँ रुके हैं अभी खाने के लिए। पूरा व्यू दिखा दूँ बैक का, और यहाँ से खाना खाने के लिए करने के बाद एक स्टॉप हम कारगिल लेंगे। अभी 4:10 है, उसके बाद कारगिल और एक मैग्नेटिक हिल भी रोकेंगे गाड़ी को, मैग्नेटिक हिल भी दिखाएंगे आपको कैसे क्या वर्क करता है। और आंखें विदाउट ऑक्सीजन मेरी तो बिल्कुल लाल हो रखी है, आप सोचोगे पता नहीं क्यों लाल हो रखी है। ऑक्सीजन तो है पर इतना नहीं है, आंखें जल रही हैं या नींद की वजह से लगा लो चाहे कैसे भी। तो अभी चल के खाते हैं, सब मेरा ही वेट कर रहे हैं अंदर। ये अपने नॉर्मल सब्जी रोटी मंगवा ली है खाने के लिए, सैंडविच भी मंगवा ली। तो मैं भी टेस्ट करता हूँ, एक बढ़िया था इसलिए मगर लाते भाई एक बढ़िया था। नेचर में डल चुके हैं, बढ़िया खाना चल रहा है अपना, 2-3 दिन से खींच के वेटर ले रहे हैं, डल चुके हैं नेचर में बढ़िया। लाला एक कटोरी में डाल, नेचर में डलते ही अपने जाने की बारी आ गई है। गाइस ले लद्दाख का एयरपोर्ट नहीं यो ही है, यो रहा मैप में ले, ऐसा है इतना गंदा और क्या, छोटा गंदा नहीं है, एक ही रनवे है इस पे छोटा सा, एक ही है, कम फ्लाइट्स आती होंगी इधर। अभी निकले हैं भाई 4:30 पे निकले हम लेह लद्दाख से एयरपोर्ट पे, लेह लद्दाख के अरे श्रीनगर जा रहा है ये वाला रास्ता। और कोई सैटेलाइट पैटेलाइट कुछ लिखा तो है एयरपोर्ट, अबे एक ही रनवे पूरा बड़ा है ये, अभी थोड़ी खत्म हो जाएगा, अभी तो ये चलेगा कम से कम 2-3 किलोमीटर एयरपोर्ट बगल में अपनी। इस प्लेन अपने इंडियन आर्मी के डेमो है क्या असली, इंडियन आर्मी ना ये तो डेमो है, अंदर पाएंगे असली तो। डेमो इतना बड़ा बना रखा है, पीछे म्यूजियम भी तो था, आर्मी म्यूजियम था पीछे। देख वो रहा अच्छा, प्लेन नहीं है चलता था, प्लेन नहीं है। ओ भाई ओ तू कहां देख, रनवे है रनवे, देख वो रहा रनवे। तो गाइस यहां मैग्नेटिक हिल्स पहुंच चुके हैं और काफी टूरिस्ट इकट्ठे हो रखे हैं यहां, तो हम भी अभी टेस्टिंग करके देखेंगे क्या चीज है। मेरा शायद ये वाला रोड है, इस पे चढ़ेगी मैग्नेटिक के लिए वाला रोड है, अभी चढ़ा के देखते हैं, अभी ट्राई करके देखते हैं गाइस। तो गाइस पता नहीं लग रहा कौन सी साइड मैग्नेटिक के लिए, हमने तो सारी जगह टेस्ट करके देख लिया है। आगे आगे ना ऊंचाई सी है थोड़ी, उधर सीधा ले सीधा, यहीं छोड़ के देखूं आके मेरा यही हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इब इसको मोड़ मोड़ ना मोड़न में तो ढलान है, ऊंचाई तो उस साइड है, इस तरफ वापस जाएगा ना तो आगे से ऊंचाई दिखेगी, ऊंचाई दिखेगी। उसमें गाड़ी न्यूट्रल पे यार अभी छोड़ दूंगा, अरे चढ़ाई की तरफ चलना चालू होगी। न्यूट्रल पे है, पैर दिखा दे मोहित, न्यूट्रल पहले ब्रेक पे पैर है, पैर है ठीक है भाई। और
अब देखते हैं भाई चलेगी या नहीं चलेगी। हाँ ये न्यूट्रल है, हार्ट अटैक ये देखो ये जा रही है। अरे ये जा रही गाड़ी अपनी प्लेन पे खड़ी है, पर अभी इन्होंने दोबारा से रोड रिकंस्ट्रक्शन की है तो इतनी मतलब पहले जैसा सीन रहा नहीं है कि चढ़ाई पे चढ़ जाएगी, तो यही सीन है। जा तो रही है भाई, सारे कर रहे भाई पीछे तक। हमें यहाँ पे एक कैट मिली है जिसको दूध पिला रहे हैं। हट जा, लाला तू भी पी ले, लाला तू भी पी ले दूध, पी ले मार ले घूट बच रहा है। देखो गाइस कितना ज़िगज़ैग रोड है, कारगिल जाती आना टाइम पर फेंसिंग लगा के पूरी सिक्योरिटी सेफ्टी कर रखी है। ये देखो साइड में और कारगिल आते हैं 60 किलोमीटर और रह रहा है, ये लगा दें कारगिल। 7:14 हो गया, देखो कितनी देर में लगेगी। अब चल रहे हैं खींच कर, टाइम हो रहा है 9:01 और कारगिल हम पहुंच चुके हैं। नमन और लाला कुछ खाने का लेने गए हैं हल्का फुल्का, उसके बाद सीधा बालटाल निकल रहे हैं। कारगिल का ये नीचे से व्यू है पूरा, कारगिल पहुंच चुके हैं और अपनी एनर्जी ड्रिंक चल रही है। केड़ा खा रहे भाई पूरा, भाई खाओगे केड़ा खानी है, ले रहे हो केड़ा, ना ना खाने ला रहे हम तो केड़ा तो नहीं ले रहे हम। अरे यो लाला जी की यो पूरा व्यू है भाई नीचे कारगिल का, वी आर एंजॉयिंग कारगिल विद केड़ा। और दिखा क्या है, ये भाई इंडिया की लाइट दिखती होता अपने हर ट्रेडिंग पे, इंडिया की लाइट लगा रखी है। चलो भाई आगे चलते हैं बालटाल। तो भाई इस दिन में तो मैं आपको कारगिल दिखा नहीं पाऊंगा, रात में जितना थोड़ा बहुत दिख रहा है वो देख लो। अभी ये TCS में एंट्री हुई है अपनी, अरे ये रील चल रही है यहाँ पे, टूरिस्ट फैसिलिट सेंटर, फैसिलिटेशन सेंटर, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो भी है भाई देख लियो। हमने ना मेरा अपना काम है व्यू दिखाना। सुने पीछे पुराना चाहिए, हाँ हाँ पूरा लिए मोटे ने, केड़ा नहीं मिलेंगे ना तो इसने। सही है, मुरियल पहुंच गए थे हम तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये रहा साइड में दिखा दे, ये रहा, अरे ये इस साइड दिखा दे ज़ूम करके। हर हर महादेव जी, थोड़ी देर रुके थे गाइस यहाँ पे। जी मैं जो अपने धीरज भैया है ना नॉर्मल से, उनकी मौसी का लड़का बोल रहा था, तो एक्चुअली मैं ना बाल्टा खलाल हो रही है गाइस। अभी गाड़ी चला के लाया हूँ, कहते हैं कांते ली थी मैंने इनते आज अरे भाई मेरा ना गाड़ी चला के लाया हूँ और ये भाई पूरे कन्वे पर रोक दिए हैं यहाँ। मतलब कल सुबह 4G की कन्वे हमारे साथ चलेगी, एग्जैक्ट बिल्कुल 12 बज गए हैं। अब 6 घंटे बढ़िया नींद लेंगे, 6 बजे चलेगी बालटाल के लिए और अपनी अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होगी और वहाँ पे जाके पासिस वगैरह बनेंगे। एक दिन की चढ़ाई है, मतलब एक दिन में चढ़ के उतर आएंगे, यही सीन है भाई। और बाकी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब गाड़ी में ही सबको रेस्ट करना पड़ेगा, 6 बजे तक, 12 बज गए हैं, 6 घंटे। तो यही है गाइस, मतलब बढ़िया ट्रिप चल रही है, एक नंबर के मज़े आ रहे हैं, बस थोड़ी अब नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, ब्लॉग एंड करना है यहीं। तो गाइस गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय भोलेनाथ।